जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाले उपकर अब सिर्फ रिक्त जमीन में ही नहीं बल्कि अब मकान जमीन व फ्लैट पर अनिवार्य कर दिए जाने की सूचना से लोग काफी परेशान हैं। शासन की योजनाओं के अंतर्गत जमीन की रजिस्ट्री पर लगाए जाने वाले उपकर को अब 7% बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते अब हितग्राही को 12% का उपकर जमा करना अनिवार्य हो गया है। रजिस्ट्री कराने वाले 80% दर कम हुई है। इसी कड़ी में मिली जानकारी के अनुसार पहले सिर्फ उपकर सोल रिक्त जमीन की रजिस्ट्री पर ही लगता था, लेकिन अब मकान जमीन और फ्लैट तीनों पर अनिवार्य कर दिया गया है। पहले फ्लैट दुकान आदि की खरीदी में ये शुल्क नहीं लगता था। मकान की खरीदी में मकान के साथ जुड़ी खाली जगह जैसे गार्डन आंगन में ही लगता था। अब हर प्रकार की जमीन खरीदी बिक्री में यह शुल्क देना पड़ रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के उपाध्यक्ष केश चौहान ने मीडिया के समक्ष जानकारी दी। प्रशासन भू माफिया के इशारों पर जो कृत कर रही है वो बिल्कुल जरा तरासर गलत है, क्योंकि उन्होंने बीच में रजिस्ट्री रोक दी थी। क्यों रोकी थी? क्योंकि छोटे छोटे किसान जब आते थे तो रजिस्ट्री रोक देती थी, बोले रजिस्ट्री नहीं हो रही है। वो लोग न्यायालय भी गए, न्यायालय ने आदेश भी किया, उसके बाद बावजूद भी इन्होंने टाल मटोल करने की कोशिश की, रजिस्ट्रियाँ रोक दी। उसके बाद उपकर बढ़ा दिया, 7% उपकर बढ़ा दिया, जिसके कारण जो अभी जो पहले 100 रजिस्ट्रियाँ होती थी अभी सिर्फ 20 रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। और इससे एक घाटा हो रहा है, छोटे जो किसान हैं वो अपनी रजिस्ट्रियाँ नहीं करा पा रहे हैं। इससे क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्योंकि बड़े बड़े जो भू माफिया हैं, बड़े लोग जो हैं उनको अपना प्लॉट कटिंग करना है, इस वजह से ये षड्यंत्र रचा गया। और जो ये उपकर बढ़ाया गया है, जो रजिस्ट्री का खर्चा बढ़ाया गया है, उसमें क्या हो रहा है कि जो जिनको पहले 10 लाख रुपये रजिस्ट्री लग रहा था अभी वो 16 लाख रुपये रजिस्ट्री लग रहा है। लगभग 60% रमन सरकार की से और अभी के जो वैल्यू देखेंगे तो उसमें 60% बढ़ गया है रजिस्ट्री खर्चा, जिससे कि छोटे छोटे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो आ नहीं रहे हैं। और इसका पूरा का पूरा जो जिला प्रशासन है इसका फ़ायदा उठा रही है और इससे लोगों की जेब से पैसा निकालना चाहती है वो, और अपना खर्चे करवाना चाहती है, खर्चे वो अपना मेंटेन करना चाहती है, क्योंकि वहाँ से शासन प्रशासन से उनको फंड नहीं मिल रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।